बात क्या बताई, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक लाइट वेट और एक हेवी, दोनों को सेम फोर्स दे रहा हूं, तो जल्दी कौन बंद हो जाता है, लाइट वेट या हेवी? गिव मी द आंसर प्लीज। हेवी बंद हो जाता है। क्यों? व्हाई? बिकॉज इसका मास ज्यादा है। जल्दी बंद हो जाता है मतलब उसकी स्पीड कम होगी, लाइट वेट की स्पीड ज्यादा है। सेम अप्लाई करेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन में, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को सेम टॉर्क अप्लाई किया, जल्दी कौन बंद हो जाएगा, जल्दी कौन बंद हो जाएगा, लाइट वेट या हैवी? बात वही आई हैवी, बट यहां पे मास, तो यहां पे किसकी बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनरेशिया की। जिसका मोमेंट ऑफ इनरेशिया ज्यादा वो जल्दी बंद हो जाएगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनरेशिया कम वो जल्दी चालू रहेगा, मतलब उसकी स्पीड जो है ना वो ज्यादा रहेगी। जिसका मोमेंट ऑफ इनरेशिया ज्यादा कम है उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना। अब मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपने स्केटिंग करते हुए कोई लेडी को देखा है, वो ऐसे स्केटिंग करती है, ऐसे जाती है, पता है? जब वो रोटेट होती है ना, तब वो क्या करती है, गिव मी द आंसर प्लीज, तब वो क्या करती है? वेरी गुड, तब वो क्या करती है? ऐसे हाथ बंद कर देगी। मालूम है ना? नहीं मालूम है मेली मिहिर? अभी आप देखना YouTube पे जाके स्केटिंग वीडियो ऑन आइस, आइस के ऊपर देखना, ओके? वो पहले अपने हाथ ऐसे खुले रखेंगी, बाद में वो बंद कर देगी। उसका रीजन वही होगा, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ रिजल्टेंट टॉर्क इज जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट। आई कम करने से ओमेगा बढ़ता है, वो तो हम लोगों को भी मालूम है, बट मैं एक एक्सप्लेन करता हूं आपको थोड़ी छोटी सी चीज। क्या कि मैंने अभी बोला कि वो लड़की जो थी वो ऐसे अपना हाथ अभी ओपन था, अब उस लड़की का हाथ ऐसे कर दिया ओमेगा वन और ओमेगा टू, तो मैंने ये बताया कि ओमेगा टू ज्यादा होगा ऐसे हाथ बंद करने से, तो क्यों ज्यादा होगा? गिव मी द आंसर, व्हाई? व्हाई इज मोर? कल से आज बेटर स्क्रीन दिखाई दे रही है, गिव मी द रिप्ले प्लीज। कल से स्क्रीन बेटर दिखाई दे रही है आज? कल से बेटर है ना? ओके, क्लियर है, वेरी गुड। चलो ओमेगा वन लेस देन ओमेगा टू, गिव मी द रिप्ले बेटा। क्यों? क्योंकि पहले हाथ ऐसे थे ना, तब डिस्टेंस ये था, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर था इतने हाथ के लिए। अब इतने ही हाथ को देखो, उसमें मास वही रहेगा बट डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। देखो आर डिक्रीज हुआ, उसके हिसाब से आई भी डिक्रीज होगा।
यानी कि पहले वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकेंड वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखे तो I2 जो है ना वो कम हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ बेटा, इसीलिए उसकी स्पीड बढ़ी थी। कुछ पल्ले पड़ रहा है, दूसरी बात मैं बता दूं बेटा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बढ़ेगी, ऐसे करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। चलो मैं एक दो और एग्जांपल करवाता हूं इनके लिए। हमारे पास एक रिंग है, वो ऐसे रोटेट होती है ओमेगा स्पीड से, हो रही थी ओमेगा स्पीड से। जस्ट मिनट, यहां पे एक बात बता दूं कि यहां पे हम लोगों ने ऐसे हाथ रखा, ऐसे किया, तो हमारा इंटरनल फोर्स यूज हुआ है बेटा, इंटरनल फोर्स, इसलिए एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो हुआ। इसलिए यहां पे भी ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज टॉर्क इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क। ओके, एक्सटर्नल टॉर्क, बात को समझना बेटा, ओके बात को समझना। ओके आगे केशा, नोट डाउन करना बेटा, मिहिर है, जिया, खुशी, वत्सल, जो भी स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूं, मैंने नाम नहीं लिया तो अपने मन में बेटा नाम ले लेजो तुम्हारो, फॉर एग्जाम्पल प्रियांशी हो मन में बोली लेवा, राइट। तो कहने का मीनिंग ये है कि अब मैं क्या कर रहा हूं, दो लाइट वेट पार्टिकल को यहां पर रख रहा हूं। अभी इस रिंग का मास एम था, केशव बाद में अपने बुक्स के पेज ऐसे वैसे करना, यहां पे फोकस करो, मास एम था बेटा रिंग का और वो रोटेट हो रही थी, तब उसकी स्पीड ओमेगा है। अब मैंने क्या किया, उस रिंग के ऊपर दो पार्टिकल्स को रख दिया, दो पार्टिकल्स को मैंने रख दिया। जैसे ही मैंने रखा ना बेटा, तो यू नो व्हाट, वेरी वेल, मास बड़ा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो अब स्पीड क्या होगी। तो देखो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट। अभी देखो, अभी क्या है, पहली कंडीशन में रिंग अकेली है तो रिंग का मास एम, रेडियस आर स्क्वायर, स्पीड ओमेगा। अब बाद में दो है, दो रिंग भी है और पॉइंट पार्टिकल भी है, तो रिंग का मास एम आर स्क्वायर प्लस इस पार्टिकल का इस एक्सिस से डिस्टेंस रेडियस जितना, तो और एम आर स्क्वायर, स्मॉल एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा टू, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकला, एम प्लस टू एम, ओमेगा टू इज इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस ट्वाई एम, ये डिवाइड हुआ ना बेटा, तो ये स्पीड मिल गई। आपको घर पे ट्राई करना, चार रखना, वन टू थ्री फोर, चार पार्टिकल रखा है, पहले स्पीड ओमेगा थी, अब स्पीड क्या होगी, इसका मास कैपिटल एम। अब मैं चेरेबली का सम बोलू, अभी करंट, करंट ये ईयर जो आया ना सितंबर में, उसी में क्या पूछा था बताओ, एक टर्न टेबल है, टर्न टेबल जिसका मास 200 केजी, यहां पे एज पे एक बंदा खड़ा हुआ है, पर्सन खड़ा हुआ है जिसका मास 60 केजी है। अब वो बंदा खिसक के यहां पे सेंटर पे आ गया, मतलब अब दूसरी कंडीशन में वो बंदा टर्न टेबल में यहां पे सेंटर पे आ गया,
तो अभी ओमेगा है 40 RPM, मतलब 1 मिनट में 40 रिवोल्यूशन फिनिश कर रहा है, तो अब ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? तो पहले बंदा यहां पे खड़ा था, अब बंदा यहां पे आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? डिक्रीज होगी ना बंदा, डिक्रीज होगी, क्योंकि बंदा पहले यहां है, तो एम आर स्क्वेयर, अब इसके लिए आर जीरो हो गया, एक्शनल टॉर्क कुछ नहीं है, चल के गया है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। बट सिस्टम किसकी बनी हुई है? इसको डिस्क बोलेंगे, डिस्क प्लस मैन, ये भी आई दो का, डिस्क प्लस मैन, तो आई आई क्या होगा डिस्क का, तो एम आर स्क्वेयर बाय टू प्लस, ये बंदा यहां पे खड़ा है और अक्सिस ये है, तो ये डिस्टेंस आर ही हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल एम आर स्क्वेयर ओमेगा वन अब आई टू। अब डिस्क तो खुद है, तो डिस्क का होगा एम आर स्क्वेयर बाय टू प्लस, अब वो बंदा इस अक्सिस पे आ गया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा? हार्वी रिप्ले करो बेटा, ऑनलाइन क्लास है, एक्टिव रहना बेटा, अब दिवाली तक एक्टिव रहना ही होगा, जीरो, अदरवाइज बहुत बिगड़ जाएगा आपका। चलो देखो, इतना शॉर्टकट में कर सकता हूं, आर स्क्वेयर कट, क्योंकि इस दोनों में से आर स्क्वेयर कॉमन निकलेगा और यहां से कट हो जाएगा, राइट? मास 200 बाय 2 प्लस 60 ओमेगा 1 40 आरपीएम, 200 बाय 2 100 प्लस 60 160 डिवाइडेड बाय 100 64 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये सारे सम्स मैंने बाहर के करवाए आपको, क्लियर? स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको अब ले लो, अब बेटा हमारे टेक्स्ट बुक का जो सम्स है वो फिनिश करेंगे हम लोग, मंडे को टेस्ट है, तो जो भी टेक्स्ट बुक के सम नहीं आ रहे वो मुझे पूछ लेना, उसके बाद ऐसा ना हो कि बाद में आप बोलो कि मुझे डाउट सेशन है सर, कल आप पूछ सकते हो, कल सैटरडे है, कल डाउट रहेगा, जो भी सम नहीं आ रहा है वो करवाऊंगा। ओके चलो एक्सरसाइज निकालो बेटा, ये सारी थियरी है ना टेक्स्ट बुक की है, मैं कुछ बाहर का नहीं पढ़ा रहा हूं, पर कुछ अलग अलग जगह पे दी रखी है, मैंने आपको एक कंप्लीटली बंच बना के देता हूं, उसके साथ उसके नीचे सम्स ही दे रहा हूं। ये टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो जेडब्ल्यू नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, 13 नंबर का। अ चाइल्ड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल विथ हिज टू आर्म्स आउटस्ट्रेच, the turntable is get rotating with an angular speed 40 revolution per minute, how much is the angular speed of the child of the folds his hands back and thereby reduce his moment of inertia 2 by 5 times of the initial value, assume that turntable rotates without its friction। matlab ek turntable hai, child yahan pe aise abhi aise rotate kar raha hai, तब उसकी एंगुलर स्पीड है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आई है, तो अब उसने क्या किया, उस चाइल्ड ने अब उसके हैंड्स को ऐसे कर दिया बेटा, तब ओमेगा टू क्या होगा? ऑब्वियसली ओमेगा टू बढ़ेगा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गई कितनी, 2/5 टाइम्स द इनिशियल। बस बेटा फॉर्मूला एक ही यूज करेंगे, कौन सा, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। आई वन कितना बेटा, आई ओमेगा 40, आई टू कितना 2/5 आई 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 कॉट। हंड्रेड रिवोल्यूशन पर मिनट, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन इसी का ही। सो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। सिंपल बात है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना, क्योंकि हाथ ऐसे कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया और ओमेगा बढ़ गया बेटा, तो इंक्रीज हो गया ना बेटा, पक्का ना, वेरी गुड। तो बच्चे लोग कितना बड़ा होगा, मैं ये पूछ रहा हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मेनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली दोनों का रेशियो ले लो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो ये डिवाइड हो गया। अपॉन 1/2 आई वन ओमेगा वन स्क्वायर। तो आई टू कितना था बेटा, 2/5 है। ओमेगा टू कितना है बेटा, 100 स्क्वायर है, तो दो बार लिखेंगे 1/2। आई वन कितना है बेटा, ये 1/2 कट हो गया, क्यों हम लोग लिखे पॉकेट में। आई कितना है, 40, दो बार 40 होगा। टू बाई फाइव, 100 डिवाइडेड बाय 4 क्रॉस 4, 2 × 2 = 4, 2 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स K1। ढाई गुना ज्यादा होगी है ना काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हाथ बंद कर देते हैं। अब बेटा समझ में आया होगा, ऐसी आशाएं रख रहा हूं मैं। हाँ या ना, समझ में आया बेटा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। सेम ही एग्जांपल हुआ बेटा, और कुछ नहीं किया मैंने ना। अब स्क्रीन क्लियर हुई पहले से ज्यादा या सेम ही है, गिव मी द रिप्ले। ओके जी, सेम ही है, क्लियर हुई सर, लास्ट पार्ट वाला स्क्रीन। आप लोगों ने 12 नंबर का सम किया, गिव मी द रिप्ले यस या नो। 12 नंबर का सम किया, हाँ या ना तो बोलो। ना देखो, सॉलिड सिलेंडर लिखो, चलो सॉलिड सिलेंडर, तो उसका आई क्या होगा बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सॉलिड सिलेंडर का। क्या होगा बेटा बोलो, एम आर स्क्वेर बाई टू, नॉट अ 4। चलो मास दे रखा है 20 kg, ओमेगा है 100 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस 0.25 मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले आई फाइन करो, चलो कितना आता है आई फाइन करो,
आई का आंसर दो मुझे पहले। आई का आंसर बोलो। कंफर्म ना, 625 डिवाइडेड बाय 2 किया है ना, हाँ वही आएगा, 625 आएगा। चलो अब पहला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 mv² उससे बनाओ, 1/2 mv² बनाओ उससे। वेरी गुड, 1/2 I omega square। I कितना है 0.625, omega कितना है 100 का square। चलो कैलकुलेट करो। थ्री वन टू फाइव जूल। यार इतना सम, इतना इजी सम नहीं कर पाए आप, यार सोचो तो सही बेटा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, एंगुलर मोमेंटम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंगुलर मोमेंटम का? आई ओमेगा। यूनिट पहले देखना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बेटा। ओके, चलो 7.14 तो हो गया होगा बेटा, 14 तो आ ही जाएगा। सिक्सटीन बेटा मेरा वीडियो देख लेना, जेडबली वाला मैंने करवाया है, आरसीएम जो फाइंड किया ना सेंटर ऑफ मास, तब मैंने एक स्फीयर और एक डिस्क में से आर बाय टू पार्ट कर करने लिए बोला था, याद है ना ये वाला पोर्शन, इसको कट करो। और एक स्फीयर भी मैंने करवाया था एडवांस लेवल का, बस यही है 16 नंबर का सम। मैं 14 नंबर का बोल रहा हूं, 14 नंबर हुआ बेटा। चलो नहीं किया है किसी ने, कुछ नहीं किया है यार, चलो कुछ नहीं करते हो घर पे जो दे रहा हो ना वो। अ रोप इज नेग्लेजिबल मास वाउंड होलो सिलेंडर के ऊपर, रोप को टर्न किया है बेटा ऐसे। लिखो होलो सिलेंडर, पहले लिखो ऐसा। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है होलो सिलेंडर का? देखो मास कितना है 3 kg, रेडियस 0.4 होगा, फोर्टी सेंटीमीटर, इसलिए मैंने बोला 0.4 कितना होगा। देखो पॉइंट 48 होगा, यार अब क्या लिख रहे हो 0.18, फोरकास्ट कर 16 से 348 होता है। पहला क्वेश्चन देखो, जब इसको मैं खींचूंगा कितने फोर्स से, 30 न्यूटन, आई कितना
पॉइंट 48, तो अल्फा कितना होगा? गिव मी द आंसर, आपने किया है ये इलस्ट्रेशन ही। सबसे पहले हमारे पास था टाउ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि वो आर होगा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू एफ आर बाय आई। ये करवाया था यार सब मैंने। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। यहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, टेंजेंशियल या सेंट्रीफ्यूगल? ये कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल है या सेंट्रीफ्यूगल है? फोर्स ऐसे अप्लाई किया वो, टेंजेंशियल है, तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ही मिलेगा। आर अल्फा लीनियर जीरो कर देना, अरे वो वाला रेडियल एक्सेलरेशन, तो आर 0.4, अल्फा कितना मिला 25, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का फॉर्मूला पता है ना, अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, तो ओनली 80 आएगा, इसलिए आंसर 10 ही आएगा। अब बेटा मुझे 15 नंबर तो करके दो, वो तो आ ही जाएगा, सब कुछ मैं ही करवाओ। परफेक्ट बेटा, टाउ इनटू ओमेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। पावर फाइंड करना था, टाउ इनटू ओमेगा, एफ इनटू वी उसका पैरेलल बनेगा टाउ इनटू ओमेगा, बस। ओके, जो आंसर आया वो आपका वोट में आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो 7.14, आज मैं ना एक असाइनमेंट आपको भेज रहा हूं व्हाट्सएप पे, ये टैक्स जो सम है ना उसके रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए, प्लीज वो कर देना, अदरवाइज मंडे दिक्कत आएगी। चलो 7.14 इलस्ट्रेशन 7.14 पेज नंबर 108, ये भी मैंने आपको दिया था करने के लिए, पता नहीं किया या नहीं किया होगा, अदरवाइज सर ये डाउट्स है आपके लिए, क्या होगा ये डाउट्स हो जाएगा बाद में। द एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। पहली इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी है आपको 1200 आरपीएम से लेके कितनी हो रही है 3120 आरपीएम, कितने सेकेंड में, 16 सेकेंड में। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन,
यानी कि थीटा फाइंड करना है रिवॉल्यूशन में। तो चलो सबसे पहले इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, गिव मी द आंसर। आंसर पाई में ही रखना, 2π/60, नॉट अ π/180, 2π/60, क्योंकि वन रिवॉल्यूशन यानी कि 2π रेडियन, इसका मीनिंग ऐसा हो, देखो रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो वन रिवॉल्यूशन यानी कि 2π रेडियन और वन मिनट यानी कि 60 सेकेंड, 40π, पाई ऐसे ही रखना बेटा, पाई मत भूलना। इसको कन्वर्ट करो, अल्फा फाइंड करना है, टाइम दिया है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट, थीटा फाइंड करना है, ओके, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, ट्राई करो, चलो पूरा सम। નિખિલ સર, તમારી જોડે 11th ટેક્સ્ટબુક હશે ને, તો ઓપન કરો ને।
104 पाया हो ने? कितलो आयो? 104 पाई माइनस 40 पाई 64। अल्फा कितलो आयो? अल्फा अल्फा की वैल्यू 4 पाई 40 पाई मल्टीप्लाई बाय 6 16 4 पाई टी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 640 पाई 256 मल्टीप्लाई बाय 2 512 पाई 2 4 प्लस 1 5 6 प्लस 1 11 यानी कि थीटा आपको इतना मिला 11.52 पाई रेडियन सॉरी रेडियन। आपको रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है बेटा रिवॉल्यूशन में। यू नो अबाउट वेरी वेल कि 2 पाई रेडियन मतलब 1 रिवॉल्यूशन होता है। एक रिवॉल्यूशन यानी कि 2 पाई रेडियन यानी कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। तो 11.25 पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी रिवॉल्यूशन? तो रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.25 रेडियन में कन्वर्ट हुआ बेटा। ओके तो ये सम्स की प्रैक्टिस आपको करनी थी बेटा, आप लोगों ने नहीं की इसलिए मुझे करवानी पड़ी। हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। देखो पता है पहले देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी, टाइम दिया था, एक्सेलरेशन फाइंड करते थे, याद है ना। एक स्टेप आगे हम लोगों ने क्या किया था, एफ इज इक्वल टू मा किया, उससे फोर्स मिल गया। या तो आपको फोर्स दिया जाता था उससे एक्सेलरेशन फाइन करते थे और उस एक्सेलरेशन से डिस्टेंस फाइन करते थे, वो भी याद होगा। तो ऐसे भी यहां पे भी टू वीक आएगा। आपको इनिशियल वेलोसिटी दी रखी होगी, फाइनल टाइम, उससे आपको अल्फा मिलेगा और उस अल्फा से टॉर्क मिलेगा। कौन सा फॉर्मूला? आई अल्फा। अल्फा मिल गया ना, उसी को टॉर्क में अप्लाई करो, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अदरवाइज टॉर्क दिया होगा आपको, अल्फा मिल जाएगा और उस अल्फा की वैल्यू ऊपर रखो तो आपको कुछ ना कुछ ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी। ये कंसेप्ट समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, मतलब ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। दूसरी बात, जैसे बेटा मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, एक फॉर्मूला ऐसा था 1/2 mv² p² बाय 2m 1/2 pv। याद करो बेटा, मैंने एक काम किया था कि मास कांस्टेंट है तो k इज प्रोपोर्शनल टू द p² p कांस्टेंट है तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m k कांस्टेंट है तो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट m। कुछ याद आया ऐसा 6 लेसन का? याद आया? यस या नो? पूरा सेशन, पूरा सेशन सब लोग बोलो बेटा। जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऐसे करना था, तो ऐसे ही कंसेप्ट यहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कर दो। 1/2 i ω² p² बाय 2m p² यानी कि l² बाय 2i 1/2 l ω। मैं आपको एक बता दू, इफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट i1 greater than i2, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन l1 and l2? ऐसा क्वेश्चन आया तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, KLI वाला। ये कॉन्स्टेंट है तो l इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट i। तो i1 बड़ा है तो l1 भी बड़ा होगा। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि l इज कॉन्स्टेंट तो इसका रिलेशन क्या होगा? तो k इज इक्वल टू
एल स्क्वायर बाई टू आई ऐसा बना दिया ऊपर से, तो एल कॉन्स्टेंट है तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई, तो सिंपल बात है आई वन बड़ा है तो के वन छोटा होगा क्योंकि रिलेशन उल्टा हुआ। के वन छोटा होगा बेटा, इतना ही समझना था। तो ये आपको पूछा नहीं जाएगा बेटा, ये टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं पूछू या ना पूछू, सर ये तो बाहर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ा है ना। आप क्या करोगे इस इसको जब लिख रहे हो ना इस टॉपिक को, तब क्या करोगे, सिक्स लेसन का ये टॉपिक निकालो और जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन पूछे है ना वही सारे क्वेश्चन इसी में अप्लाई करो, तब ये टॉपिक क्लियर होगा। सही में बोल रहा हूं। और ऐसी एक बात आई थी पता है, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की, स्प्रिंग में भी यही था, वन हाफ के एक्स स्क्वेयर एफ स्क्वेयर बाय टू के और वन हाफ एफ एक्स स्प्रिंग का। ये तीनों टॉपिक को पकड़ो बेटा, सही में बोल रहा हूं, खुश होंगे। ओके लिख लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। कल सुबह में मैं क्या करवाने वाला हूं, फिर से एक बार, जितने भी आज सम्स है उतनी की प्रैक्टिस करने के लिए मैं 2 बजे के बाद असाइनमेंट आपको भेज रहा हूं पीडीएफ बना के। केशा ईच एंड एवरी सम्स को प्रैक्टिस करो, ओके, ईच एंड एवरी सम्स को प्रैक्टिस करना। सोलंकी, रितिका और प्रियांशी, जो सम समझ में ना आए ना बेटा उसी को कल पूछ लेना। अब वो सम क्या होंगे बताओ, चलो वो सम क्या होंगे बेटा, मैं सिंपल एक बात बता दूं।